हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए भी, जेईई मेंस एडवांस और नेट के लिए भी, एंड दैट इज डायोड एज रेक्टिफायर। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे डायोड एक रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। डायोड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब होता है कन्वर्ट कर देना, रेक्टिफाई एंड कह लो प्योर कर देना, है ना। तो किसमें प्योर करता है, रेक्टिफाई करता है, तो आंसर क्या है, ये एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, तो जहां भी एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा रहेगा छोटे स्केल पर, चार्जर में, मोबाइल फोन्स में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, तो वो उसमें डायोड जरूर लगा रहेगा। ठीक है, तो मुझे आपको दिखाना भी है कि किस तरह से होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, मेरे पास एक सर्किट है, दिस इज अ सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जो भी हम सेमीकंडक्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जरा इसको ध्यान से देखो, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस विन, दिस वन, दिस इज डायोड। क्लियर है, दिख रहा है, देखते हैं पीछे से, मैं देख लेता हूं कैमरे से, ब्लर तो नहीं हो रहा। यस, दिस इज डायोड, है ना, ये वाला जो ब्लैक वाला है। चाहे तो मैं इसका अलग से फोटो डाल के भी तुम्हें दिखा सकता हूं। ठीक, तो दिस इज डायोड बच्चों, ये वाला, ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये ट्रांसफार्मर है, दिस इज ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, चार्जर का एक सर्किट है सिंपल, ये भी कैपेसिटर है, और यहाँ रेजिस्टर भी लगे हुए हैं, तुम्हें दिख रहे होंगे, बैंड दिख रहे होंगे लाल पीले कलर की पट्टियां, ये रेजिस्टर लगे हुए हैं, एंड दिस इज डायोड। ये बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं यहाँ, शायद आपको थोड़ा कम दिख रहे होंगे इसमें। ओके, ये देखो इस तरह से, ये डायोड है। ठीक, तो ये एक पूरा इस तरह से सर्किट बना हुआ है, तो इसमें डायोड जरूर लगे रहते हैं। चार्जर में क्या हमें डीसी चाहिए ना यार, है ना, बैटरी जो होगी वो एसी से चार्ज थोड़ी ना होगी, डीसी से चार्ज होगी। दैट इज व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वोल्टेज, तो वो इतना खतरनाक वोल्टेज है 220, उसको ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये 5 वोल्ट में बदलता है। ठीक है, और ये 5 वोल्ट की एसी बन गई हम। नाउ ये बचा हुआ सर्किट है जो डायोड लगे हुए हैं, जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, और यहां पर एक ट्रांजिस्टर है, वो भी लगा हुआ है ना, ट्रांजिस्टर, ये इसको अलग से मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो ट्रांजिस्टर है, ये भी क्या करता है, ये क्या करता है सर, ये रेक्टिफाई करने का काम करते हैं, यानी कि जो 5 वोल्ट की एसी आई, सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये हैवी वोल्टेज पर वर्क नहीं करते, ये स्मॉल वोल्टेजेस पर वर्क करते हैं, अभी हमने देखा ही था। तो ये स्मॉल वोल्टेज पर वर्क करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने क्या लगा दिया है, ट्रांसफार्मर सर्किट में लगाया है। ठीक है, और वो जो ट्रांसफार्मर है दैट इज कन्वर्टिंग दिस हाई एसी वोल्टेज इंटू लो एसी वोल्टेज, लो एसी वोल्टेज, और जो लो एसी वोल्टेज है तब ये किसके पास जाता है, ये डायोड के पास जाता है, और डायोड उसको क्या कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है, इनके डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे फंक्शन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम करते हैं। ठीक है, देखो कैसे काम करता होगा, एक सिंपल, ये कहीं लगाते नहीं है, हाफ रेक्टिफायर। तो पहला मैं लगा रहा हूं डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव का हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऐसी डीसी शायद हमें कहीं चाहिए हो। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन समझने के लिए डायोड का बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायोड किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, इसका मैं एक सर्किट बनाता हूं। तो सबसे पहले हमने देखा था एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, दैट वॉज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लाइक दिस, इसकी प्राइमरी कॉइल हो गई, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, यहां से इसको 220 एसी मिला, यहां से इसने इसको 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया, है ना, कर दिया, ट्रांसफार्मर है तो एसी में कन्वर्ट करेगा मेरे लाल। अब यहां पर देखो हमने क्या लगा दिया, डायोड लगाया, दिस इज अ डायोड, इस तरह से। ठीक, और कुछ नहीं है, अपना एक जो भी तुम्हें जहां भी करंट चाहिए उसको जोड़ दो, उसको हम कहते हैं लोड, लोड रेजिस्टेंस। लोड मतलब कुछ नहीं है, बैटरी, बैटरी चार्ज करनी है वो जोड़ दो, एक एलईडी जोड़ दो जो डीसी पे वर्क करती हो बेसिकली, ना डीसी जिसको चाहिए हो। तो ऐसा हमने कोई बल्ब, स्पीकर, बैटरी, मोबाइल फोन की, व्हाटएवर, यहां पर ऐसे ऐड कर दो। तो ये जो सर्किट बन गया, बस दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। और देखो किस तरह से काम करता है, देखो इनपुट इसको क्या मिल रहा है, डायोड को ये मिल रहा है ना 5 वोल्ट एसी मिल रहा है, अब आउटपुट जो मिल रहा है वो यहां पर मिल रहा है लोड रेजिस्टेंस पर। तो किस तरह से काम कर रहा होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले याद रखनी है ना, हमने पढ़ा है कि यार पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो अगर नहीं किसी ने पढ़ाया तो पहले वो देख के आए, कहीं फिर करेंगे सर में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स, देखो मैं यहां पर 2 सिग्नल बनाता हूं, यहां पर बनाता हूं, दिस इज बच्चों इनपुट, चलो पहले ऐसे बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, एकदम समझ में आने वाली चीज है, एकदम
सिंपल, दिस इज एसी 5 वोल्ट एसी, ठीक, इस तरह से आ रही है। ये डायोड कहीं तो मिली, देखो ये रहा डायोड, इसको क्या मिल रहा है 5 वोल्ट की एसी मिल रही है इसके पास, जो ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन ने कन्वर्ट कर दी है। अब ये देखो आउटपुट क्या बनाएगा, ये तो इनपुट इसको मिला, नाउ व्हाट इज आउटपुट, ध्यान से देखते हैं। जब पॉजिटिव साइकिल इसके पास आई, एसी की कौन सी साइकिल इसके पास आई, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल मान सकते हो बैटरी का, अगर इसको बैटरी आप ट्रीट कर रहे हो तो इट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो इसके पास गया, एंड दिस इज ऑल्सो पी साइड। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट रहता है तो डायोड किस में रहता है, याद करो, फॉरवर्ड बायस में, और अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो क्या कर देगा, ये करंट को पास कर देगा, तो इट विल लेट द करंट पास, ये करंट पास कर दिया इसने इस तरह से, क्लियर है, लाइक दिस, ओके। तो ये इसने करंट को पास कर दिया इस तरह से। नाउ कंडीशन नंबर टू, ये करंट पास हो गया, अब इसमें क्या हो गया, तो नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको मान लो, तो जब पॉजिटिव तो पास कर दिया, फिर इसके बाद ये नेगेटिव आया, तो नेगेटिव और ये क्या है, पी साइड है, तो जब नेगेटिव टर्मिनल को हम पी साइड से कनेक्ट करते हैं तो हमें याद है कि डायोड रिवर्स बायस में होता है और ये वोल्टेज बहुत कम है, यानी कि ब्रेकडाउन के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जो एक्सेसिव बॉन्डिंग टूटने वाला केस है वो तो नहीं होगा, तो रिवर्स बायस में नॉर्मली बहुत कम वोल्टेज के लिए डायोड क्या करेगा, तो आंसर क्या है, डायोड करंट को ब्लॉक कर देगा, इट विल नॉट लेट द करंट पास, तो ये कोई करंट हमें यहां पर नहीं मिलेगी, वी विल गेट जीरो करंट हियर। नहीं समझे बात, पॉजिटिव में क्या था, प्लस, और ये क्या है, पी साइड, तो प्लस और पी साइड फॉरवर्ड बायस, तो करंट पास हो गया, ठीक है, यहां से ऐसे करंट पास हो गया, बट इन रिवर्स बायस ये क्या करता है, नेगेटिव साइकिल जब इसके पास आई तो रिवर्स बायस में हो गया, देखो नेगेटिव और इसको पी साइड से टकराना है, तो रिवर्स बायस में इसने क्या कर दिया, करंट को वापस भेज दिया, ब्लॉक कर दिया, समझा ये बात, तो यहां पर कोई करंट का जो है फ्लो नहीं होगा, तो जीरो करंट मिलेगा। फिर से देखो, अगली साइकिल इसके पास पॉजिटिव आई, फिर से इसने करंट को पास कर दिया, फिर से नेगेटिव आई, फिर से इसने करंट को ब्लॉक कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि अब डीसी बन चुकी है, दिस वॉज एसी एंड दिस इज डीसी, है ना, पढ़ा ना एसी डीसी चैप्टर, एसी चैप्टर में कि भाई जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहे प्लस माइनस दैट इज एसी, एंड द करंट विच इज इन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डीसी। देखो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्या कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, लिखने का काम कर लोगे, कैसे लिखेंगे कि दिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सर्किट विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एसी इंटू लो वोल्टेज एसी, देन इट इज कनेक्टेड विद डायोड, ठीक है, इन दिस पोजिशन एंड विद लोड रेजिस्टेंस। तो होता क्या है कि फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, इसको आप एंगल की टर्म में भी समझ सकते हो कि जीरो एंगल है, ये पाई एंगल है, इस तरह समझ सकते हो, सॉरी पाई बाई टू एंगल है, ये पाई, अब क्या कर रहे हो यार, ये पाई एंगल है, ये टू पाई एंगल है, ये थ्री, टू पाई प्लस पाई कितना हो गए, फाइव पाई बाई टू, हाँ थ्री पाई, सॉरी ये थ्री पाई एंगल है, ये फोर पाई एंगल है, एंगल की टर्म में समझ सकते हो कि व्हेन एंगल इज जीरो टू पाई, यानी कि जीरो जो थीटा है दैट इज बिटवीन जीरो टू पाई, उस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बायस में होगा, एंड इट लेट द करंट पास, ठीक है, तो करंट को पास करने देगा, ऐसा पॉइंट लिख देंगे पहला, एंड वी विल गेट अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड नंबर टू लिखेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा यानी कि एंगल is between pi to 2 pi, pi to 2 pi, then what would happen, the answer is very simple, the diode is in reverse bias, the diode is in reverse bias, so it will block the current, it will not let the current pass through the load resistor, so it will reverse biasing and it will not allow the current to pass, then we will get no current in this, in the negative half cycle of the AC, theek hai, aur agla point hum kya likhenge ki again for the angle 2 pi to 3 pi, diode is in forward bias during positive half cycle of the AC, so it will let the current pass and so on. तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, AC, DC current मिल जाता है AC से. लिख लोगे ये कहानी डायग्राम के साथ, मिटा दें इसको. तो ये था बच्चों डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर. तो बच्चों अब देखते हैं डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर. अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा कि उसमें हमें हाफ पल्स मिली थी, हाफ पल्स में वो नेगेटिव बायस था, रिवर्स बायस था, तो उसने करंट को पास नहीं होने दिया था. नाउ वी हैव टू चेक
व्हाट वुड हैपन इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब देखते हैं, और फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन सर्किट। ओके, तो सबसे पहले मैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन बनाऊं, तो अभी हम देखा एक ट्रांसफॉर्मर था, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जो क्या काम कर रहा है, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में ही कन्वर्ट कर रहा है। क्या भाई, दिस इज 220 वोल्ट एंड दिस इज 5 वोल्ट अप्रॉक्स, है ना, 5 वोल्ट एसी। ओके, नाउ देखो यहां से आप ध्यान से बात समझेंगे, ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे यहां कुछ और बनाना है। यहां पर हम दो डायोड इस बार कनेक्ट करेंगे, डायोड ये सिंबल है ना, डायोड ऐसा नहीं होता है, मैंने दिखा दिया कैसा होता है, तो ये डायोड है इस तरह से, ठीक है, एक डायोड हम और कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक, और यहां पर हम ये मान लो पॉइंट्स हैं एक्स वाई, इनके बीच में हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, एलईडी, ठीक है, या टीवी, व्हाटएवर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया जो डीसी पे वर्क करते हैं, तो ये सर्किट देखो पूरा होता है इस तरह से। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत क्या है, देखो कि इसके पास ये आया क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसके पास क्या आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो इसने क्या कर दिया, पास कर दिया, है ना, पास करने के बाद क्या हुआ कि यहां पर गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहां पर गया, यहां पर गया, फिर इसको ये क्या मिला, एन साइड मिली डायोड की, तो एन साइड में तो इसने क्या कर दिया, करंट को ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब हमारा सर्किट पूरा ही नहीं हुआ, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे। तो फिर से एक बार ध्यान समझो कि यहां इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ, और ये पी साइड, तो फॉरवर्ड बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से इसने करंट को पास कर दिया, करंट को पास करा, करंट जा रहा यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि तो नेगेटिव साइड मिल गई पॉजिटिव को, और जब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड से कनेक्ट होता है तो ये वाला डायोड रिवर्स में हो गया, इसको डी वन कह लो, इसको डी टू कह लो, तो डी वन फॉरवर्ड में था लेकिन डी टू किस में हो गया, रिवर्स में हो गया, और जब यार डी टू रिवर्स में हो गया तब क्या हुआ, ये सर्किट ही पूरा, इसने करंट को आगे जाने नहीं दिया, करंट का फ्लो होता है जब यहां से करंट चले और पूरा सर्किट हो जाए पूरा, तो ये करंट यहां पर कोई फ्लो ही नहीं होगा, तो करंट ब्लॉक हो जाएगा। तो हमने एक इंतजाम किया, हमने क्या इंतजाम किया, इसको बोलते हैं सेंटर टैपिंग, तो हमने यहां से इसके सेंटर से इस तरह से इसको हमने अर्थिंग कर दी, ऐसे टैप कर दिया, और यही तार हमने डायरेक्ट यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। तो हम जो लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे वो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से, ऐसे बनाता हूं इसको अलग से, इस तरह से इन दोनों के कॉमन पॉइंट से, इस तरह से और ऐसे लगा देंगे। अब देखो इससे क्या अंतर पड़ने वाला है, दिस इज अवर लोड रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन में आया कि हम वैसे क्यों नहीं कर सकते थे, तो आंसर हमें बिल्कुल मिल गया कि यार ये वाला डायोड तो फॉरवर्ड था डी वन, लेकिन डी टू उसी टाइम पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो उसने करंट का ब्लॉक कर दिया और हमें कोई करंट ही नहीं लगा लोड में, तो इसीलिए हमने इंतजाम किया है, इसको बोलते हैं सेंटर टैपिंग, सेंटर से लिया अर्थिंग कर दी और यहां से हमने एक सर्किट अपना पूरा कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है, अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये तो फॉरवर्ड में है, तो फॉरवर्ड में तो इसने करंट पास करा और करंट यहां गया, यहां भी करंट जाना चाहता था बट नहीं जा पाया क्योंकि ये वाले डायोड D2 ने उसको ब्लॉक कर दिया, है ना, रिवर्स बायस में, तो करंट यहां से चला गया और सर्किट खत्म पूरा, ठीक है, अर्थिंग, क्लियर है कहानी। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर टैपिंग, सीटी, सेंटर टैपिंग। तो व्हाई सेंटर टैपिंग इज यूज्ड, तो आंसर इज टू कंप्लीट द सर्किट। अगर हम सेंटर टैपिंग इस्तेमाल ना करें तो हमारा सर्किट पूरा ही नहीं होगा, D1 फॉरवर्ड में रहेगा, D2 रिवर्स में रहेगा और इसको ब्लॉक कर देगा फ्लो को, तो दैट इज व्हाई सेंटर टैपिंग इज डन। क्वेश्चन बड़ा फेमस एक नंबर पूछा था कि व्हाई सेंटर टैपिंग इज डन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंटर टैपिंग, तो आंसर मिल गया टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, ये पूरा समझा देना आप, क्लियर होगी बात। तो यहां से हमने देखा कि फॉरवर्ड में यहां गया, यहां जाना चाहता था बट यहां नहीं जा पाया, यहां से गया एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड। ओके, बोलो बात समझ में आ गई। ओके, अब देखते हैं सेकंड, ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल व्हिच इज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइकिल में ये डायोड कैसा है, रिवर्स में, लेकिन ये वाला कैसा है, तो फॉरवर्ड में हो गया ना, ध्यान सुनो, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला फॉरवर्ड में था, इसके पास नेगेटिव गई थी, है ना, इस तरह से करंट जा रही थी, इसके पास ऐसा लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से, क्लियर, तो इसके पास पॉजिटिव करंट गई थी, फॉरवर्ड में था, इसके पास पहले नेगेटिव गई थी तो रिवर्स में था, तो इसने करंट पास नहीं किया था, इसने करंट पास कर दिया था। नाउ व्हाट हैपेंस, कि इसके पास कैसी करंट जा रही है, इस बार ये खत्म, तो यहां पे ये खत्म,
अब यहां ये शुरू, तो यहां पर ये शुरू, ठीक है। तो दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो बच्चों यहां पर अगर नेगेटिव करंट जा रही है तो ये जो डायोड D1 है इट इज इन रिवर्स बायस, तो ये तो रिवर्स बायस में हो गया, और जब ये रिवर्स बायस में हो गया तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा। तो दिस टाइम डायोड D1 विल ब्लॉक द करंट दिस वन, बट डायोड D2 एट द सेम टाइम इज इन फॉरवर्ड बायस। तो इसी टाइम पे जो डायोड D2 है वो किस में है, फॉरवर्ड बायस में, तो इस बार ये करंट पास कर देगा यहां से। बोलो, पिछली बार हमने देखा कि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में था, डायोड D2 रिवर्स बायस में था, तो सिर्फ डायोड D1 ने करंट को पास किया, सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने सेंटर टेपिंग कर दी, वो काम खत्म हो गया, हमें आउटपुट मिल गया, क्लियर है। एंड इन द ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस बट डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, सो डायोड D2 अलाउज द करंट टू पास बट D1 ब्लॉक्स द करंट, क्लियर है। तो D2 allows the current pass, current goes here, it wants to go here, but diode D1 as it in reverse bias, it blocks the current. So the current goes through the load resistor and through the center tapping. Clear है? तो एक circuit फिर से हमारा क्या हो गया? Complete हो गया, यहाँ से गई, फिर अपना current जो है flow हो गया circuit के अंदर। Clear होगी बात? तो दोनों cycle में हमने क्या देखा? हमें current मिला। पिछली बार क्या होता? एक cycle में मिला था, एक ने block कर दिया था, वो कुछ नहीं मिला था। लेकिन उसी दौरान हमने यहाँ पर एक दूसरा diode लगा दिया D2, which is in forward bias. Clear है मानी? तो यहाँ से इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। This is our input and output diagram. इस तरह से एक में बना लेंगे इसको। ये हमारा इनपुट है विच इज एसी, प्योर एसी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहां पर लोड रेजिस्टर है और यहां पर अपना ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड में था, तो डायोड D1 ने करंट पास कर दिया, डायोड D1 ने करंट पास कर दिया और यहां से चला गया, ठीक है। और डायोड D2 रिवर्स में था। इन द ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल Diode D1 was in reverse bias, so it blocks the current, but diode D2 at the same time was in forward bias, so it allows the current to pass through the circuit. तो यहां से current pass हो गया, यानि कि फिर से second cycle में भी एक current मिल गया diode D2 की वजह से। Circuit complete करने के लिए हमने center tapping कर रखी है। Again, positive I, तो फिर से diode D1 forward में है, इसके लिए negative I होगी, ठीक है। तो forward में है तो ये फिर से current pass कर देगा, लो जी सेंटर टैपिंग के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो रहा है। फिर से नेगेटिव आई इसके पास, लेकिन इसके पॉजिटिव आई, तो फिर से D2 ने पास कर दिया। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि हर एक साइकिल के लिए, फॉर एवरी साइकिल द करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द लोड रेजिस्टर, सो इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड बच्चों फुल वेव रेक्टिफिकेशन। कहानी समझ में आ गई होगी पूरी, तो इसको मिटा दें, ठीक है। दोनों का काम समझ में आया, सेंटर टैपिंग क्यों किया, D1 कैसे फॉरवर्ड में था, D2 कैसे रिवर्स में था, ठीक है, मिटा दो इसको। तो इसको लिख लोगे कि किस तरह से काम करता है, कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स, सो इट अलाउज द करंट टू पास बट D2 ब्लॉक्स, एंड इन अदर साइकिल D2 अलाउड टू पास, अलाउड द करंट टू पास बट D2 स्टॉप्स, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमें दोनों की चेक करनी है, हाफ वेव वाले की भी, हाफ वेव की भी और फुल वेव की भी। तो यार हाफ वेव ने हमने क्या देखा था कि अगर एक वेव हमारे पास आ रही थी तो डायोड एक बार में एक ही वेव को ट्रांसफर करता था, एक बार में क्या करता था, एक ही वेव को ट्रांसफर करता, जितनी वेव यहां से आई उसको ट्रांसफर कर दिया, यहां से नेगेटिव थी यहां रोक दिया, फिर से पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव को सिर्फ ट्रांसफर कर रहा था। तो हाफ वेव में जो फ्रीक्वेंसी होती है DC की, दैट इज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, दैट इज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, यह आप ध्यान रखना। फुल वेव में हमने क्या देखा कि डबल पास कर रहा था, फुल वेव में ये भी ये भी ये भी ये भी, यानी कि एक साइकिल में दो पॉजिटिव मिल रहे थे, क्लियर है। एक ही साइकिल में हमें क्या मिल रहे थे, दो पॉजिटिव मिल रहे थे, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो फुल वेव में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डबल एज इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना। हाफ वेव में सेम फ्रीक्वेंसी रहती है और फुल वेव में जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है। अभी एक बात हमें और जाहिर हो रही है यहां से कि ये वाली जो AC है ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये हमारे सर्किट को हार्म कर देगी, हमें एक कांस्टेंट AC चाहिए, है ना, वी वांट अ कांस्टेंट AC।
एसी, वी डोंट वांट रिपल्ड एसी, रिपल्स बन रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहा है एसी में, वी डोंट वांट अ फ्लक्चुएटेड डीसी, सॉरी वी डोंट वांट अ फ्लक्चुएटेड डीसी, वी वांट अ कांस्टेंट डीसी. फॉर दैट पर्पस वी हैड टू अप्लाई कंपोनेंट नोन एज फिल्टर सर्किट. और फिल्टर सर्किट में हम क्या लगाते हैं? कैपेसिटर. क्लियर है बच्चों? कैपेसिटर हमें लगाना है फिल्टर. तो पहले इस पे क्वेश्चन आया था कभी कभी इस तरह से छोटा मोटा कि एसी इनपुट एसी हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव इज सेम, दैट इज 50 हर्ट्ज, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव इज डबल, दैट इज 100 हर्ट्ज. तो आपको ये छोटा मोटा सवाल अगर कहीं पूछ ले जाए तो उसको बता देना. क्लियर, मिटा दे इसको. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन सर्किट. देखो रेक्टिफायर का जो हमने ऐसे डायग्राम बनाया, चलो बना देता हूं पूरा. दिस वॉज अ फुल वेव रेक्टिफायर लाइक दिस, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी सेकेंडरी, दिस इज ट्रांसफॉर्मर. ओके, सेपरेट कर दो इनको. यहां पर हमने देखा था एक डायोड हमने D1 लगाया था विच वॉज लाइक दैट, पैरेलल में दो डायोड थे, है ना. फिर हमने यहां से सेंटर टैपिंग कर दी थी, दिस वॉज सेंटर टैप्ड, और यहां हमने इस तरह से कनेक्ट किया था, और यहां हमने लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया था, दिस वॉज लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, ऐसा था. तो यहां से हमने देखा कि जो भी यहां से आउटपुट मिल रहा था दैट वाज रिपल्ड, है ना, वो रिपल काइंड ऑफ आउटपुट था. इस डीसी का हमारे लिए कोई खास यूज तो है नहीं, तो हमारे सर्किट को हार्म पहुंचाएगी, फ्रीक्वेंसी भी इसकी डबल हो गई थी. बट वी वॉन्ट डीसी लाइक दिस, हमें तो इस तरह की डीसी है ना, कॉन्स्टेंट डीसी. तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस फ्लक्चुएटिंग डीसी इन टू द कॉन्स्टेंट डीसी, एंड दैट इज डन बाय बच्चों फिल्ट्रेशन सर्किट. फिल्ट्रेशन सर्किट, तो दिस इज फिल्ट्रेशन सर्किट. देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इंतजाम और करना है. यहां पर इस लोड से पहले हमको एक कैपेसिटर लगा देना है. क्या करना है? We have to apply a capacitor and then we have to connect that with our load resistor like this. Okay? So, अभी हमने जो सर्किट देखा उसमें कैपेसिटर लगा हुआ था. अब हम समझेंगे कि उस कैपेसिटर का क्या काम है. बहुत सारे लगे हुए थे बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे डायोड भी थे. हम तो बेसिक फंक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों लगे हुए थे. ठीक है, तो what would this capacitor do? देखते हैं. ये सपोज करो ए और ये बी है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा? ये ए बी में जो कैपेसिटर लगाया, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले जो डायोड इनपुट आउटपुट दे रहे हैं वो हमारा लोड के पास नहीं जा रहा, वो कैपेसिटर के पास जा रहा है. और कैपेसिटर की अपनी खासियत है, क्या खासियत है? इट गेट्स चार्ज, ये चार्ज हो जाता है. बोलो यार, ये क्या हो जाता है सर? चार्ज हो जाता है. तो जैसे ही इनपुट वाला लोड आउटपुट वाला लोड पे जो जाना था वो इसके पास आया कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर क्या होने लगता है? इट गेट्स चार्ज, ये चार्ज होने लगता है और अपने अंदर करंट स्टोर कर लेता है. तो इनिशियली हमें जो देखते हैं, यहां पर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से उसको समझना आप लोग. दिस इज एसी विच इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट? दिस इज आउटपुट थ्रू कैपेसिटर. तो पहले कैपेसिटर के पास गया, तो वोल्टेज गया 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 और कैपेसिटर यहां पर मान लो बच्चों फुल चार्ज हो गया. कैपेसिटर गया फुल चार्ज. ठीक है, अब क्या हुआ कि जो डीसी है ये क्या होना शुरू होगी? डिक्रीज होना शुरू होगी, है ना. ध्यान से देखना, ये ऐसे बढ़ी, फिर एक एसी है सॉरी, ये ऐसे बढ़ रही थी फिर ये अपने डिक्रीज होना शुरू हुई. बट अब यहां तक तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है. कैपेसिटर को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो इसी चक्कर में फुल चार्ज हो जाए. लास्ट कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं. ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे कैपेसिटर लगाए गए थे ताकि वो एकदम से चार्ज हो जाए. ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ये चार्ज हो गया कैपेसिटर, ये फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया. अब जैसे ही डीसी घट रही, एसी घट रही थी, तो इसने इसको क्या होने नहीं दिया, घटने नहीं दिया. क्यों? क्योंकि जो इसने चार्ज स्टोर किया था अपना, उसने उसको डिलीवर कर दिया. इट डिलीवर्स लाइक दिस, ऐसे घटती, लेकिन इसने घटने नहीं दिया करंट को. क्यों नहीं घटने दिया? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी स्टोर्ड द चार्ज. तो हमें ये चीज नहीं मिली थी क्योंकि ये तो कैपेसिटर को चार्ज करने में चली गई, है ना, ये तो कैपेसिटर को चार्ज करने में चली गई. तो यहां से हमें जो है आउटपुट मिलना शुरू हुआ लोड पे. क्लियर है? क्योंकि यहां तक तो कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर वॉज गेटिंग चार्ज, तो ये हमें नहीं मिला. ठीक है, अब यहां से जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो फिर ये एसी घटनी शुरू हुई, डिक्रीज होनी शुरू हुई इसका मैग्नीट्यूड. जैसे ही डिक्रीज होनी शुरू हुई तो जो चार्ज कैपेसिटर ने स्टोर कर रखा था उस चार्ज को इसने सप्लाई कर दिया लोड पे. तो हमें एक ऐसा कांस्टेंट चार्ज मिला. ठीक है,
अच्छा फिर से क्या हुआ, देखो फिर से आप पहले यार मुझे फिल्टर वो बनाना चाहिए था, ये इनपुट नहीं है, सॉरी इनपुट एसी नहीं आ रहा लोड के पास, लोड के पास कैप्सूल के पास इनपुट एसी नहीं आ रहा, ये आ रहा है ना फ्लक्चुएटेड एसी डीसी आ रहा है। ओके ये कैपेसिटर के पास क्या आ रहा है ना कैपेसिटर, ये है इनपुट रिसीव टू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के पास तो ये आ रहा है ना फ्लक्चुएटिंग डीसी है ना ये। हाँ फिर से क्या हुआ देखो, फिर से जब कैपेसिटर ने चार्ज क्या कर दिया डिलीवर कर दिया, तो फिर से कैपेसिटर चार्ज हो गया, देखो यहां से फिर से क्या हो गया कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर से कैपेसिटर ये चार्ज आया चार्ज आया चार्ज आया, फिर से कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर क्या कर रहा था, एक टाइम पर दो काम कर रहा था, क्या कर रहा था, एक तो जब ये डीसी घट रही थी तो अपना चार्ज क्या कर रहा था फेंक रहा था, इस तरह से चार्ज फेंक रहा था, और जब ये एसी बढ़ रही है तब वो क्या भी हो रहा है चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। तो फिर से हमें कॉन्स्टेंट सप्लाई मिलने लगी इस तरह से, और जहां पर थोड़ा बहुत वोल्टेज ज्यादा हुआ वहां पर थोड़ा बहुत हमें पीक देखने को भी मिल सकता है ना, हल्का जैसे वोल्टेज ज्यादा हुआ तो इस तरह से हल्का बहुत पीक देखने को भी हमें मिल सकता है लाइक दिस, ओहो हल्का सा ऐसे पीक देखने को मिल सकता है। तो हमें इस तरह का आउटपुट कुछ फिल्ट्रेशन सर्किट से मिलता है लाइक दिस। क्लियर कहानी, तो ये किस तरह से काम किया पता लगा कि जहां यहां तक जैसे ही सप्लाई आई कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर चार्ज होने के बाद जैसे सप्लाई घटी कैपेसिटर ने अपना चार्ज डिलीवर कर दिया, यहां से फिर से कैपेसिटर चार्ज हुआ, इतने में चार्ज होने के बाद जैसे डीसी घटी फिर से कैपेसिटर ने क्या करा अपना जो चार्ज स्टोर कर रखा था वो डिलीवर किया, फिर से क्या हुआ कैपेसिटर चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद फिर से डिलीवर किया, और लगभग लगभग हमें एक कॉन्स्टेंट सप्लाई मिलती है। हाँ थोड़े बहुत रिपल्सन इसमें अभी भी तुम्हें दिख रहे होंगे, और ये रिपल्सन फर्दर दूर किए जाते हैं बच्चों ज़ीनर डायोड से, जब हम ज़ीनर डायोड पढ़ेंगे उसके बाद हम फिर से समझेंगे कि ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये बात समझ में, फिल्ट्रेशन किस तरह से काम करता है इस तरह, तो लगभग लगभग हमें एक कैपेसिटर कॉन्स्टेंट डीसी की सप्लाई देता है, ठीक है। ये छोटे मोटे जो रिपल्सर अभी बचे हैं पीक वाले इनको दूर किया जाता है ज़ीनर डायोड का इस्तेमाल करके। समझ में कैपेसिटर कैसे काम करता है, क्या यहां तक ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, चार्ज होने के बाद जैसे डीसी घटने लगी तो इसने अपना चार्ज डिलीवर कर दिया, फिर से यहां चार्ज हुआ, इतने में जितना डिलीवर कर रहा था चार्ज भी हो रहा था, तो फिर से इसने अपना चार्ज डिलीवर कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने लगभग लगभग डीसी को एक कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखा। तो दिस इज द यूज ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन सर्किट, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको ज़ीनर डायोड वगैरह के साथ अगले लेक्चर्स में, टेक केयर देन।